गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। टुडे वी विल डू न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 21 नवंबर 2022। द फर्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट सीओपी कॉन्फ्रेंस इन इजिप्ट। सो व्हाट वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल, क्या वो सक्सेसफुल था या नहीं? टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वे इम्पॉर्टेंट इन दिस COP 2027 इज द लॉस एंड डैमेज। COP 27 अडॉप्टेड द बेसिक डिमांड ऑफ अ फंड टू एक्नॉलेज दैट देर इज अ नीड फॉर असिस्टेंस टू वल्नरेबल डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन वो कौन एक्सेस करेगा, कैसे मैनेज होगा फंड, उसके बारे COP 27 ने कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट पॉइंट इज शर्म एल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान वॉज अडॉप्टेड एट COP 27। इट सेज दैट अप्रॉक्सीमेटली $4 to $6 trillion will be required each year for transitioning to low carbon economy till 2030. Regarding finance, already the developed countries had promised to finance approximately $100 billion per year to develop and to underdeveloped and developing countries, but this has not occurred still. Regarding phasing out all fossil fuel, India and other countries has been supporting that puri jo fossil fuel hai, not particularly coal, kyunki developed countries sirf coal ke bare mein baat karti hai. और भी जो फॉसिल फ्यूल है रिगार्डिंग सच एज ऑयल पेट्रोलियम एक्सेट्रा नीड टू बी फेस्ड आउट। बट ये फाइनल अग्रीमेंट नहीं हो पाया। डेवलप कंट्रीज बात कर रही थी एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, गिविंग द कंटेक्स्ट दैट इंडिया इज अ स्टिल मेजॉरिटी पीपल ऑफ द इंडिया आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी इंडिया टुक अ स्टैंड दैट बाय रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर इट विल हैम्पर इंडिया फूड सिक्योरिटी, तो इंडिया ने डिसीजन नहीं लिया। तो क्या क्या प्रॉब्लम रही COP 27 में स्टिल? फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग फंडिंग $100 billion फंड, द डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट स्टिल टॉक्ड अबाउट इट। सेकंड, रिगार्डिंग लॉस एंड डैमेज फंड। थर्ड, वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स। Fourth, how to calculate NDC, National Determination. And third, compliance mechanism. कैसे compliance किया जाए हर एक countries को कि वो climate change को अच्छे तरीके से follow करेगी, उसकी target को achieve करेगी। तो still ये अभी तक नई बात हुई। Regarding second article, it says that in last 5 years, 10 lakh crores of loan have been written off. So we have to think that what is the meaning, what is the difference between writing off loan and loan waiver?
राइटिंग ऑफ लोन मीन्स दैट जो अकाउंट है वो क्लोज नहीं हुआ है. द लेंडर दैट इज बैंक कैन रिकवर द लोन अमाउंट विद द हेल्प ऑफ एनी अदर थर्ड पार्टी फ्रॉम द एंटिटी. उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है. इसका मीनिंग कि जो लोन है वो बैंक की जो एसेट है उससे हटा दिया. आफ्टर द बोरोअर हैड डिफॉल्टेड ऑन द रीपेमेंट और देयर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ रिकवरी. मतलब अगर बैंक से मैंने लोन लिया है 10 लाख रुपए और मैं पूरा चुका नहीं पा रहा हूँ तो बैंक वो लोन एनपीए में डाल देगी और तब भी मैं नहीं चुका पा रहा हूँ तो वो लोन राइट ऑफ कर दी. इसका मीनिंग जो लोन है वो एसेट से हट जाएगा. दिस हेल्प्स बैंक. अब यहाँ पढ़ सकते हैं दिस हेल्प्स बैंक टू रिड्यूस एनपीए एंड ऑल्सो मेंटेन बैलेंस शीट. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लोन एंड लोन वेवर. लोन वेवर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एग्रीकल्चर लोन वेवर. इसका मीनिंग है कि वो लोन जो बैंक कोई अटेम्प्ट नहीं करेगी वापस रिकवरी करने में. मतलब बैंक विल नॉट अटेम्प्ट एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द बोरोअर टू रिकवर द लोन. तो क्या डेटा है. तो बैंक वेर एबल टू रिकवर ओनली 1,32,000 करोड़ लोन्स इन लास्ट 5 ईयर्स. टोटल डिफॉल्टेड लोन कितना है 16 लाख करोड़. इट्स शोकेस दैट देर इज अ अर्जेंट रिफॉर्म रिक्वायर्ड इन कैलकुलेटिंग द एमपीए एंड फॉर लोन रिकवरी. नाउ कमिंग टू थर्ड आर्टिकल फॉर टुडे. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट यूएन सैंक्शन. अभी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है नो मनी फॉर टेरर, उसमें इंडिया का स्टैंड ये था कि द सैंक्शन रिजीम शुड बी नॉन पॉलिटिकल. ऐसे आपने कई बार सुना होगा कि चाइना और पाकिस्तान, चाइना फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान हैज़ ब्लॉक्ड सेवरल प्रपोजल फ्रॉम इंडिया एंड यूएस टू लिस्ट एलईटी लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद ऑपरेटिव एज टेररिस्ट अंडर यूएन लिस्ट. तो इससे जो एक कलेक्टिव एफर्ट है टू टैकल टेररिज्म वो हैम्पर हो जाता है. तो इंडिया का ये स्टैंड रहा है कि रिगार्डिंग योर पॉलिटिकल डिफरेंसेस वी मस्ट कोऑपरेट, वी मस्ट डू समथिंग कलेक्टिवली अगेंस्ट टेररिज्म. टेरर इज टेरर. एंड इट इज अनजस्टिफाइबल. इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इट इज ए गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म. नेक्स्ट आर्टिकल सेम COP27 अग्रीमेंट ऑन लॉस एंड डैमेज. ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि अभी तक जो भी बात हुई है COP27 में वो लॉस एंड डैमेज के बारे में बात हुई है कि जो भी पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है, वल्नरेबल कंट्रीज है, वो क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनका पैसा कम है, मतलब फाइनेंसिंग कम है. एंड अदर देन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनके पास दिक्कत है, प्लस पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फूड सिक्योरिटी का इश्यू है और ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी बहुत दिक्कत है उन्हें. तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी डेवलप कंट्रीज है उनको आना पड़ेगा. तो उसके लिए लॉस एंड डैमेज दोज कंट्रीज विच आर वेरी वर्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज
उसको हेल्प करना होगा। लेकिन तभी अभी भी बात चल रही है कि कैसे कंपेंसेट किया जाए, कैसे कौन एक्सेस करेगा, कौन कौन सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है, किसका लॉस ज़्यादा हो सकता है, और जो उन्हें फाइनेंस मिलेगा उनसे ऑडिट कौन करेगा, क्या कंप्लायंस मैकेनिज्म रहेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं हुआ है। एंड कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, दिस आर्टिकल ओनली टेक्स इन सेज दैट नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी विल बी इज टेकन बाई इंडिया, इट विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2023। तो इंडिया का क्या स्टैंड है क्लाइमेट चेंज में भी और एज अ ग्लोबल पावर में। इंडिया का नेशन फर्स्ट पॉलिसी भी है और साथ ही साथ इंडिया का एक तरह से इंक्लूसिव स्टैंड है इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर। इंडिया हैज़ बीन मेकिंग इन रोड्स इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सच एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया हैज ऑल्सो मेक इट हैज ऑल्सो मेड कमिटमेंट एंड लाइक NDC टू टैकल क्लाइमेट चेंज। इंडिया हैज ऑल्सो गिवन टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन टू 0 बाई 2070 2070, इंक्रीजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाई 45% बाई 2030, और भी अदर टारगेट। देन नेक्स्ट आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट क्वासी जुडिशियल कोर्ट। द क्वेश्चन अराइजेस कि क्वासी जुडिशियल सिस्टम आखिर है क्या? तो क्वासी जुडिशियल एजेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीड डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशरी। और फॉर एग्जाम्पल लोक अदालत, NGT, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। क्या क्या इश्यूज है क्वासी जुडिशियल बॉडीज को, कि कैपेसिटी बिल्डिंग कम है, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है हायर कोर्ट से, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डेटा रिलेटेड सिस्टम, अंडरस्टाफ्ड। तो ये आर्टिकल बात कर रही है कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, स्पीडी जस्टिस कैसे दिया जाए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए ताकि हर जगह हर जन तक एक सही मायने में जस्टिस हो सके। तो 10 स्टेप इन्होंने दिया है। तो पहला स्टेप है कि क्लियर प्रायोरिटी होना चाहिए सरकार का विथ रिस्पेक्ट टू क्वाजी जुडिशियल बॉडी। सेकेंड, डेटा मस्ट बी कलेक्टेड एंड इट मस्ट बी मैप्ड सो दैट डेटा कैन बी एनालाइज्ड कि कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं सिस्टम के अंदर में। फिर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, टेक सेवी स्टाफ होना चाहिए ताकि समन, केस रिकॉर्ड, कंप्लेंस, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंस बहुत स्पीड तरीके से हो सके सिस्टम के अंदर में। इंस्पेक्शन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट होना चाहिए सो दैट अकाउंटेबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड। लीगल रिफॉर्म होनी चाहिए, जो भी पुराने लॉज है उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, उसको रिफॉर्म करना चाहिए ताकि दोनों को लिटिगेटर एंड ऑल्सो द जज को आसानी हो। ट्रेनिंग्स होना चाहिए अथॉरिटीज और स्टाफ को। सेवेंथ इज
इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्वाजी जुडिशियल कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो सकता है, इसमें कंपटीशन हो सकता है आपस में, ताकि कौन जुडिशियरी जो कौन क्वाजी जुडिशियल कोर्ट ज़्यादा परफॉर्म कर रहे, इससे एक ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट, ट्रस्ट ऑन द सिस्टम ज़्यादा होगा अमंग द पीपल पब्लिक। एट्थ इस जो भी डायरेक्शन है उसके एक लिस्ट बननी चाहिए, और इट विल हेल्प द पीपल टू नो अबाउट द सिस्टम मोर क्लियरली, मोर रिग्रेस इंडक्शन ट्रेनिंग। नाइन्थ एंड टेंथ इज मिनिमाइजिंग लीगल फ्रेमवर्क, जो पेपर वर्क है, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, वो कम करनी चाहिए। रिफॉर्म कौन रिफॉर्म कैसे हो सकता है? थ्रू लॉ कमीशन एंड अदर बॉडीज। तो एक पूरा एक अच्छा आर्टिकल, होलसम आर्टिकल है, इस पर ध्यान देनी चाहिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट डेटा प्राइवेसी। इन डेटा प्राइवेसी इंडिया हैज करेंटली लेड आउट ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 फॉर पब्लिक पब्लिक कमेंट। तो ये क्या कहता है बिल, पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए, इसलिए बहुत जल्दी 4-5 पॉइंट इसमें बोलते हैं। फर्स्ट इज डेटा लोकलाइजेशन। जो डेटा लोकेशन का जो एक बहुत पहले इम्पोर्टेंस था कि जो भी कंपनी है वो इंडिया से डेटा लेके बाहर जाएगी और उसको यूज़ करेगी या इंडिया के अंदर यूज़ करेगी, उसको डेटा स्टोर करना था इंडिया में पहले, अब वैसा नहीं है। देर इज़ अ रिलैक्सेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। देर इज ऑल्सो एग्जेम्पशन ऑफ, यहाँ देखिए, एग्जेम्पशन ऑफ एजेंसीज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। फर्दर थर्ड पॉइंट इज देर इज मोर फोकस ऑन फाइनेंशियल पेनल्टी। पहले क्रिमिनल पेनल्टी के बारे में बात किया जाता था, लेकिन अब नहीं, अब फाइनेंशियल पेनल्टी वो इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इश्यूज है? इशू ये है कि जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स अपॉइंटमेंट है इन द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, दैट इज अंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ऑटोनॉमी का इश्यू हो सकता है रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बात है कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसका कंपैरिजन बाकी से मॉडल में से कैसे है? तो ये तीन मॉडल है जिसे जल्दी जल्दी करते हैं। ईयू मॉडल, जीडीपीआर इसको कहते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये इट इज़ ए वेरी कम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ, और उसका जो बेडरॉक है वो डेटा प्राइवेसी है ऑफ द सिटीजन, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत इसमें पेनल्टी का भी है और फिर स्ट्रिंजेंट है, कंप्लायंस ओरिएंटेड है ये। इट इज़ ए कम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। रिगार्डिंग यूएस मॉडल, इट फोकसेस ऑन लिबर्टी प्रोटेक्शन, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट। ये प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम कंपनीज नहीं है, प्राइवेट कंपनीज नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी अगर चाहती है तो वो डेटा कलेक्ट कर सकती है, यूज कर सकती है विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन मॉडल। फर्दर जो लॉज है यूएस में वो सेक्टर स्पेसिफिक है, वो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। और जहाँ तक कि चाइना मॉडल के बारे में बात है, चाइना मॉडल इज ऑल्सो स्ट्रिंजेंट, उसमें भी डेटा लोकलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये तीन मॉडल है। तो इंडिया का जो मॉडल है वो बोथ इट मेंटेन्स अ डेलिकेट बैलेंसेस बाई स्टेइंग विद इन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ डेट प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट,
within reasonable restriction and also adhering to आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये बैलेंस मेंटेन करती है। अब ये छोटे आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, मैप माई इंडिया, जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, इट पुट्स अ लिमिटेशन ऑन डोमेस्टिक कंपनी वर्किंग इन जियो स्पेशल डेटा, बट वो ऐसा नहीं है गूगल के लिए। तो देर इज अ डिफरेंट लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसको सेम करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट अब मैप माई इंडिया को ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा ऑटोनोमी दे सकती है, ताकि आने वाले समय में हम लोग के पास भी एक गूगल मैप जैसा डॉक्यूमेंट डेटाबेस रहे। या नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिगार्डिंग बजट, कि इस साल जो बजट में मेजर रिफॉर्म होने के चांसेस बहुत कम है, जस्ट लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, वी विल प्रोसीड विद नेक्स्ट न्यूज पेपर ऑफ 20th नवंबर 2022। सो कमिंग टू 20 नवंबर 2022, इट टॉक्स अबाउट नो मनी फॉर टेरर सेक्रेटरीट इन इंडिया। अमित शाह जी कहते हैं कि टू क्रैक डाउन ऑन टेरर हेवेंस हमें परमानेंट सेक्रेटरीट चाहिए, सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट विद अदर कंट्रीज इन दिस मैटर। एवरी कंट्री शुड राइज अबव देयर ओन इंटरेस्ट एंड कलेक्टिवली टैकल टेरर, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेररिज्म हैज़ बीन यूजिंग न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सच एज क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, हवाला नेटवर्क एक्सेट्रा, बिटकॉइन एक्सेट्रा। तो उसको टैकल करने के लिए 5 पिलर्स उन्होंने लेड आउट किया है। फर्स्ट इज कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग इंटेलिजेंस एजेंसी, ताकि कोई भी इंटेलिजेंस छूट नहीं जाए, और साथ ही साथ एक ओवरऑल मैपिंग हो जाए क्राइम्स का इंडिया में, फॉर एग्जांपल CCTN नेटवर्क हो गए। स्ट्रैटेजी टू ट्रेस टारगेट टर्मिनेंट, हार्मोनाइजिंग द लीगल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट यूज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथनिंग लीगल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इससे ग्लोबल टेररिज्म को टैकल कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट. क्यों नॉर्थ ईस्ट इम्पोर्टेंट है? बिकॉज फ्रॉम 70-75 ईयर्स ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर एनिमी कंट्रीज सच एज चाइना, पाकिस्तान, देर हैज़ बीन सेपरेटिज्म इन नॉर्थ ईस्ट, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, इन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एक्सेट्रा. तो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉमन पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो टू मेन स्ट्रीम देम, डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कैसे होगा डेवलपमेंट? तो सरकार के सेवरल पॉलिसीज हैं, सच एज क्रिएटिंग मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री टू टेक केयर ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द रीजन. और साथ ही साथ अदर जो स्कीम्स है सच एज ड्रोन टेक्नोलॉजी, कृषि उद्यान, टेक्सटाइल, टूरिज्म एक्सेट्रा, वो हेल्प करेगा बॉर्डर विलेज को कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम लास्ट विलेज टू मेन स्ट्रीम इंडिया. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ लेजेंड ट्राइबल आर्ट आइकन बिरसा मुंडा. तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. तो बिरसा मुंडा वो एक कृष्ण कन्वर्ट थे. वहां से उन्होंने एक प्रॉफिट वाली इमेज और रेबेल वाले इमेज ली और ही इज क्रेडिटेड टू अ कॉइनिंग ऑफ टर्म उगुलान, दैट इज मीनिंग दैट इज कॉल्ड एज रिवोल्ट. ही वॉज बॉर्न इन 1874 इन अ वेरी पुअर एंड पेजेंट फैमिली. ही ग्रू अप इन चलकड़ अवे फ्रॉम खूंटी. ही स्पेंट हिज नंबर ऑफ डेज विदाउट फूड. तो ये गरीबी की स्थिति में वो बड़े हुए, तो उन्होंने पीछे नहीं देखा. वो फिर कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में 1886 में. वहाँ स्कूलिंग और एक डिफरेंट माइंडसेट उन्होंने अपनाया और वो जैसे जैसे अवेयरनेस उन्हें हुआ रिगार्डिंग द सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया एंड रिगार्डिंग ट्राइबल कल्चर, तो वो देखे कि द ट्राइबल पीपल हैव बिन डिप्राइव्ड ऑफ लैंड एंड होल लीगल सिस्टम इज अगेंस्ट देम. दे आर फेसिंग इकोनॉमिक सोशल एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशेस एंड द मनी लेंडर्स एक्सेट्रा. तो वो मिशनरी स्कूल से बाहर भी हुए, मतलब वो छोड़ दिए क्या बोल करके कि साहेब साहेब एक टोपी, मीनिंग द ब्रिटिश एंड मिशनरीज वेयर द सेम हैट, दे आर सेम, वो अलग नहीं. तो वहां से उनका एंटी ब्रिटिश स्टैंड था वो डेवलप हुआ. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू रांची गैजेटर ट्राइबल कम्युनिटीज पेड ₹1 लाख ओवर डिकेट एज अ फीस टू लॉयर्स, क्लर्क एंड कोर्ट स्टाफ. सोचिए कि एक लॉयर्स, क्लर्क और कोर्ट स्टाफ के लिए ₹1 लाख ट्राइबल कम्युनिटीज को बहुत मुश्किल से कलेक्ट करके देना पड़ता था. ऐसा एक जुडिशियल सिस्टम था दैट वॉज वेरी एंटी ट्राइबल. और ट्राइबल सिस्टम वॉज एग्जिस्टिंग पीसफुली. उसके बाद 1894 एंड 1896 के बीच में बिरसा
मुंडा ने एक रेवोल्यूशन किया। ही वॉज कॉल्ड एज ए स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द ट्राइबल पीपल। इट इज सेड दैट ही हैड सम मिराकुलस पावर, ही कैन क्योर पीपल फ्रॉम बुलेट वुंड एंड हिज रिलीजन वॉज बिरसियाइट। ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश बिरसा राज एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ क्रिश्चैनिटी वैश्वनिज्म एंड ऑल्सो ट्राइबल कल्चर। ही हैड अ वेरी पावरफुल ऑरा अराउंड हिम एंड ही सपोर्टेड हिम अंटिल देयर लास्ट ब्रेथ। तो लेटर ही रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड यूरोपियन मिशनरीज कंटिन्यूड द मूवमेंट। ही यूज बो एंड एरो अगेंस्ट द फॉरेनर्स। द ब्रिटिश रिटेलिएटेड एंड मेनी ऑफ द सपोर्टर्स डाइड इन पुलिस फायरिंग। ही वॉज अरेस्टेड इन 1900 एंड ही डाइड इन प्रिजन ड्यू टू कॉलेरा। तो ये उनका एक लाइफ था कि अपने राज्य साम्राज्य जो ट्राइबल वाले पीपल है उनके हिसाब उनके लिए मरे, वो वीर गति प्राप्त हुए। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है उनकी डेथ से? द ब्रिटिश ऑफिशियल प्रिपेयर्ड अ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट दैट इज कॉल्ड अ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908, जो आज भी है। एंड ऑल्सो 15 नवंबर इज कॉल्ड आदिवासी गौरव दिवस, दैट इज ट्राइबल प्राइड डे। This article also talks about various rebellion across country that is very important for prelims examination. Rampa revolt on the banks of Godavari by Alluri Sitaram Raju. Bhil revolt in Rajasthan under Guru Govind Giri. Dhur rebellion in Chhattisgarh. And in Keonchhar, Odisha. So this article is very important. It showcases the struggle of tribal leaders and tribal community against the Britishes for their freedom. Then next article talks about greenwashing. Greenwashing is a hai kya? Recently, it was in recently Coca-Cola, the company who sells Coke, was in controversy as it was sponsoring the COP27 climate conference in Egypt. तो ये ग्रीन वॉशिंग अगर हिंदी में बोलना चाहिए तो वो है कि जो कंपनी खुद प्लास्टिक बेचती है वो दिखावा कर रही है कि मैं भी एक सपोर्टर हूँ ग्रीन इकोनॉमी का, मैं भी सपोर्ट करता हूँ पूरा जो मूवमेंट है क्लाइमेट चेंज का मूवमेंट है। तो रादर देन डूइंग फॉर क्लाइमेट चेंज दे आर वर्चू सिग्नलिंग टू द पब्लिक। तो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सीईओ सेज दैट देयर इज अ नीड फॉर रेगुलेशन ऑन द कॉर्पोरेट। कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से, वर्चुअल सिग्नलिंग करने से क्या आप क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। तो उसको रेगुलेट करना चाहिए। वी मस्ट हैव जीरो टॉलरेंस फॉर नेट जीरो ग्रीन वॉशिंग। Green washing refers to a range of activities that companies, even countries, indulge in and present misleading claims about their climate action. That's it for today. We will meet again tomorrow with newspaper of 22 November 2022. Thank you.